ऐसे ऐसा छोटी छोटे जो बसों गिरता है वो दर्द होता है। कपड़े की बेला भी होती है रात के समय के बेले में तो कब देखा जाता है तो सच्चा नहीं होता है, लेकिन अपनी अवस्था की भी बात है। बहुत अच्छा पोशाक करता है और अच्छे पोशाक जी को अमृत मेला स्वप्न आता है तो सच्चा भी हो सकता है। दुकानी है उसके बाद आँख खुलेगी तो बहुत खुशी रहेगी, परंतु इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वप्न और साक्षात्कार ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। ऐसे नहीं स्वप्न अच्छा हो गया साक्षात्कार हो गया तो बस हमारी प्राप्ति हो गई, नहीं, हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छे से अच्छी प्राप्ति करेंगे। ये क्योंकि आज में बहुतों ने अच्छे अच्छे साक्षात्कार किए, साक्षात्कार करने वालों ने क्या स्वर्ग का अनुमान भी लगा पाया, अनुमान भी नहीं लगा पाया। नवा अभी बोला तो 150 बेड बनवाने चाहिए, तो एक ही है बेड से सबसे ज्यादा अच्छी सर्विस हो सकती है ना। बेड जो है उसमें त्रिमूर्ति का सारा ज्ञान भरा हुआ है ना, तो 100-150 का मतलब जो माला के दाने हैं वो कितने हैं, 100 ही तो है लगभग। तो वो 100 दाने जो चैतन्य में निकलेंगे उनकी बुद्धि में तीनों मूर्तियों का सच्चा सच्चा ज्ञान भरा हुआ होगा, वो हमारा होगा चैतन्य बैज। ये स्टेशन पर टीवी के चित्र लगवा था तो वो तो स्टूल लगवा दिए उन्होंने, अरे हमें क्या करना है, कौन सा स्टेशन चैतन्य के चित्र है, मुंबई दिल्ली का स्टेशन में ना हमारी स्टेशन कौन सी है और हमारी रेल कौन सी है, हमारी रेल है संकल्पों की रेल, संकल्पों की रेल है, जब स्टेशन पे जाके रुकती है तो कब कौन सी स्टेज में रुकती है, निराकारी स्टेज में रुक जाती है, ट्रेन काम से ही निराकारी स्टेज में रुकेगी, तो निराकारी स्टेज में वो चित्रों का जो चिंतन है वो भी थम जाएगा, वो ही वाइब्रेशन फैला हुआ रहेगा जब तक हमारी निराकारी स्टेज में। स्कूल होता है तो छुट्टी चाहिए, स्कूल 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 हाँ तो स्कूल चाहिए बोले, हाँ छुट्टी है तो स्कूल चाहिए, अच्छा फिर तो तुमको लगता है कि बहुत से बच्चे जिन्होंने की बुद्धि में बैठा हुआ दुनिया विनाश होने वाली हो कहते हमें स्कूल नहीं चाहिए, तुम्हारी तुम्हारी बात अलग है, दूसरों को कुछ अलग अनुभव होता है तुम्हें कुछ अलग अनुभव होता है। बाबा छत्रपति शिवाजी महाराज का पद बाबा थोड़ी बताएंगे कौन सा किसका पार्ट है, बाबा तो मुख्य मुख्य 5-7 पार्ट दादियों के पार्ट बता दिए, क्या इशारा दे दिया शिवाजी का अर्थ क्या, शिव शिव माना क्या सुप्रीम कल्याण का आदि कोई भी चीज नहीं, शिवाजी मैंने जो कोई को सम्मान दिया जाता है दे शिवा वरदान मोहित, वरदान देने वाला कौन है, वो व्यक्ति है या भगवान है। बाबा
बोला है कि मना ब्रह्मा कुमारी का इतना मर्तबा अभी है, उससे भी हजार गुना मर्तबा जयवंश की माताओं का होगा। बोला है ना, अभी तुम्हारे सेंटर तो बहुत थोड़े हैं, आगे चल करके लाखों करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे। जब विस्तार बढ़ेगा तो मर्तबा भी बढ़ेगा दुनिया में। अभी 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 उनका विस्तार जो है वो बढ़ता हुआ देखने में आ रहा है कि अच्छे अच्छे सारे स्टूडेंट छोड़ करके एडवांस पार्टी दे दिया, सारा ओल्ड इज गोल्ड कहाँ आ गया, एडवांस पार्टी में आ गया। तो इससे क्या साबित होता है कि असली जो बीज है वो यहाँ तैयार हो रहे हैं। ये बीज जब बोए जाएंगे और बोले गुलजार होगा तो सारी दुनिया में फोटो तैयार करने वाले बढ़िया बढ़िया फोटो तैयार करेंगे, चित्रकार होते हैं ना, बढ़िया बढ़िया चित्र तैयार करते थे। आठ वर्ष की उम्र में जय जय धारण करा दे तो अच्छा है, ऐसे समझते। आठ वर्ष का बच्चा जो होता है उसमें विकार नहीं होते, विकृति जो है आठ नौ साल के बाद बच्चों में विकृति आती है। महात्मा आठ नौ साल तक महात्मा कही जाते हैं, महान आत्मा है, क्यों उनमें कोई विकार नहीं है। तो ऐसी स्टेज में जबकि उनमें कोई विकार नहीं है, पक्का ब्रह्मचारी है, तो ऐसे ब्रह्मचारी की बुद्धि में वो तीन सूत्रों का ज्ञान बैठ जाए, ब्रह्मा का सूत्र, विष्णु का सूत्र और शंकर का सूत्र, ये तीनों सूत्रों की युति जहाँ गांठ बांधी जाती है उसको कहते हैं ब्रह्म खान। उस ब्रह्म ज्ञान में वो बन जाए तो बहुत अच्छा माने जाते। बाबा कैसे मुझे में कि बिंदी भी लगाना भक्ति मार्ग की निशान में, और फिर ये ना अभी तो छोड़ सकते हैं आप, पर वो लोग कहते हैं कि आप बिंदी भी नहीं लगाते हैं, ऐसा वैसे ऐसा है क्या तुम्हारा ज्ञान? वो लोग ये भी कहते हैं आप अपने बच्चों की शादी नहीं कराते, क्या ऐसा है तुम्हारा ज्ञान? तो जवाब क्या दे रहे हैं? वो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, वो लोग जितना जो कुछ कहते हैं वो सब हम धारण करते जाए। ये तो समाज का मुकाबला तो करना है ना, समाज में तो ढेर सारी कुरूतियाँ हैं। अरे ऋषियों मुनियों ने बिंदी और टीका लगाने की प्रथा इसलिए डलवाई कि हम एक दूसरे को याद रखें कि हम आत्मा है, बिंदी है, आत्म की स्थिति में हमें टिकना है, इसलिए टीका लगाओ। इसलिए थोड़ी उन्होंने ये परंपरा चलाई थी कि हम सिर्फ परंपरा पालन करें और जो उसका भूल संता है वो भूल जाए। आपको कैसे पता कि हम अंदर से बिंदी लगाए हुए हैं, अंदर से हम स्मृति में टिके हुए हैं? तो अंदर से स्मृति में टिकना, आत्म की स्मृति में टिकना वो ज्यादा अच्छा है या बाहर का टीका लगाना ज्यादा अच्छा है? वो समझाएंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा। वो कहते हैं मुसलमान क्रिश्चियन वो बस सही बात है, जब भगवान आता है तो जो मुसलमान धर्म वाली आत्माएं हैं, क्रिश्चियन धर्म वाली आत्माएं हैं, वो पक्की आत्म की स्मृति नहीं टिक पाती है, वो कुछ कुछ जेवार में आ जाती है, अपने धर्म गुरुओं के चक्कर में फंस जाती है, इसलिए वो पक्की आत्मा नहीं बन पाती, इसलिए वो टीका नहीं लगाते, बिंदी नहीं लगाते। भारतवासी ही है देवी देवता सनातन धर्म के पक्के कितने 9 लाख जो आत्म की स्मृति के टीका पक्का पक्का लगाते हैं पूरे 84 जन्म लेते हैं। दिखावा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भारत की परंपरा में दिखावा करना तो अच्छा नहीं है, ज्ञान और योग का तो दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
गुप्त बात है, जितने चीज गुप्त रखेंगे ज्यादा पावर रहेगी, जितना दिखावा करेंगे पावर कम हो जाएगी। जैसे दान है, दान दूसरों को दिखा दिखा के देखो हम इतना दान दे रहे हैं, उसकी ताकत खत्म होगी। गुप्त दान मांगल्य, ऐसे ही कोई भी पुरुषार्थ करे जितना गुप्त पुरुषार्थ करेंगे उसकी ताकत ज्यादा होगी। ठीक है, एक बात पहले पूरी कर लो। एक मजदूर बोला कि ब्रह्मा की मत मजदूर है तो बच्चों को बोलो की मत कर। हाँ जी, एक मुर्गी ने बोला है। अभी अभी ये बात पूरी कर लो, ये बात समझ में तो आ गई। ब्रह्मा की मछली फॉलो करना है और शिव बाबा की मछली फॉलो करना है, इसका मतलब ये शिव बाबा अलग है और ब्रह्मा दोनों ही मत देने वाले, छोटा बाबा भी है और बड़ा बाबा भी है। छोटा बाबा है ब्रह्मा बाबा, उसकी मत भी माननी है, और बड़ा बाबा है शिव बाबा, उसकी मत कैसे मिलेगी? बड़े बाबा की मत तो ब्रह्मा द्वारा मिली, छोटे बाबा की मत ब्रह्मा की मत, अब बड़े बाबा की मत कैसे मिलेगी? राम और कृष्ण दो आत्माएं हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, दो पहियों की ये गाड़ी चलती है, दोनों पहिए चाहिए। तो एक माता का पार्ट बजाने वाली और एक पिता का पार्ट बजाने वाली, बच्चे को दोनों की बात माननी है या एक की बात माननी है? दोनों की बात माननी है। तो गुरुजी ने जो कुछ बोला है उसका उसको भी काटना नहीं है, कोई बात ऐसी न होने पाए जीवन में कि मुरली की बात कोई कट हो जाए। तो वो हुआ ब्रह्मा बाबा को मानना, और फिर है शिव बाबा की बात मानना। शिव बाबा शिवशंकर भोलेनाथ के रूप में जो भी मुरली है उस मुरली का क्लैरिफिकेशन देता है, क्लियर करता है। तो मुरली को जो क्लियर किया गया है उसके क्लैरिफिकेशन के अनुसार भी हमें जीवन में चलना है। वो है शिव बाबा की मत को मानना, टीचर है। इसके बाद अगली बात आती है, ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है। साकार में ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए वैसे कर्म करना है। ब्रह्मा ने साकार में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो कर्म करने से हम बच्चों का नुकसान हो जाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ये विरुद्ध था कि मुझे कर्म करके दिखाना चाहिए, अच्छे करें या न करें। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी कर्म हुए वो सब अच्छे ही अच्छे कर्म हुए, इसलिए ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है। परंतु बात मेरी मानना है, मेरी बात मानना है माने कहीं किसी बात में कोई टकराव हो जाए ब्रह्मा की बात में और शिव बाबा की बात। जैसे मुरली में आता है ये लक्ष्मी नारायण तो मजदूर है, फिर दूसरी मुरली में आता है ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, सब तो बिजली के मालिक है। तो टकराव वाली बात आ गई, सच्ची बात क्या है? शिव बाबा टीचर के रूप में क्लैरिफिकेशन देते हैं कि जहाँ समझदार है वहाँ विश्व के मालिक है, और जो विश्व के मालिक है वो डायरेक्ट शिव बाबा से वर्षा लेने वाले हैं, और जो बुद्धू है वो लक्ष्मी नारायण है
सत्युग के वाले बुद्धिमान नहीं होंगे, वो यहाँ भी बुद्ध थे। कहाँ भी बुद्ध बने का पाठ बजाया और वहां भी बुद्ध होंगे। तो ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है, बात मेरी मानना है। माना शंकर को कर्मों में फॉलो नहीं करना है। कोई कहे कि हम शंकर को फॉलो करेंगे कर्मों में तो उल्टे हो जाएंगे। बजाय देवी देवता सनातन धर्म में जाने के कहाँ चले जाएंगे, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस्लाम में धर्म में जाकर के जन्म जन्मांतर जन्म लेते रहेंगे तो उल्टा हो गया या उल्टा प्राप्ति की उल्टी प्राप्ति उल्टू बन के लटक गए। आने से आना लेना था स्वर्ग और ले लिया, जाना था शिवालय में और चले गए बस चले। आपका ही नाम लिया था उन्होंने, तो गलत क्या है माना, वो भी तो आपका नाम लेकर ही आए थे, वो निराकार का लेकर करते हैं ना, वो बोल रहे हैं वो भी तो शिव बाबा का नाम लेकर ही गायन कर रहे हैं ना। शिव बाबा का नाम गायन किसका किया जाता है, साकार का या दिल्ली का? बिंदी का गायन होता है, बिंदी बिंदी का गायन नहीं होता, बिंदी की ग्लानी नहीं होती। क्या ग्लानी और गायन किसका होता है? साकार का होता है, वो जानती नहीं है। वो बिंदु जिसे कहती है उसका ग्लानी और महिमा करने का कोई मतलब ही नहीं होता। बिंदी की क्या महिमा और बिंदी का क्या गायन? बिंदी जब तक साकार न बने तब तक कोई प्राप्ति नहीं होती। और मुंबई में अभी का काम लेकर की आग लगी है, तो ऐसे आदमियों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चिता बिगड़ा देना चाहिए, योग आगने की चिता बिगड़ा दो। तो वो योग करते नहीं बाबा है, योग करते नहीं तो हम तो योग कर सकते हैं। हम तो योग आगने में चिता में माताएं क्या करती थी, राजा युद्ध करने जाते थे तो रानियां क्या करती थी, वो जौहर कर देती थी, फूल चिता में बैठ जाती थी। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ा, ये संगम ही हुआ फाउंडेशन पड़ता है। वो विकारों की आग में जलने के लिए जाते हैं, मर जाते हैं, बाकी मार से गिर करके तलाक हो जाते हैं, तो रानियां क्या करें, जौहर करें। योगाग्नि की चिता में चढ़ जाए, वो योगाग्नि की चिता में चढ़ेगी तो उनका भी कल्याण हो जाए। सुबह सुबह योग में उठकर बैठे थे, अरे तो मत बैठो, दिखावा करने की क्या जरूरत, जिसको लगन लगी होगी उसका लगाव लग जाता है, वो चाहे लेटे रहे चाहे बैठे रहे वो लगन को खत्म होती नहीं है। नींद आ जाती है तो लगन पक्की नहीं है, लगाव पक्का नहीं है, अटैचमेंट नहीं हुआ है अभी, अभी अभी लगन नहीं चढ़ी है। ये जो स्नेह बताते हैं कि चौहान हो नमः शिवाय, इसका फायदा क्या होता है बाबा? ज्ञान की, ज्ञान की बहुत आत्मा ये स्नेह देखती, ज्ञान की आत्मा ऐसा टैल ही कर सकती है। ये पृथ्वीराज चौहान की आत्मा कौन सी है जो आकर के पृथ्वीराज चौहान बनती है? क्या तो उनके लिए तो ठीक है, और जिनकी बुद्धि में इतना ज्ञान बैठा ही नहीं है कि शाहजहां कौन है, पृथ्वीराज चौहान कौन है, तुलसीदास कौन है, सूरदास कौन है, मीरा कौन है, तो उनके लिए इस सीरियल देखने से भी कोई फायदा नहीं। तो होता है क्या बाबा, लेकिन जो पूरा पाठ सच होता है क्या, जो पृथ्वीराज चौहान का पाठ बता दे वो पूरा सच होता है? वो तो उन्होंने पैसा कमाने के लिए बनाया हुआ है, मक्ख मिर्च मसाला मिला करके, लेकिन उनमें से जिन्होंने अच्छी स्टडी करके वो सीरियल तैयार किए हैं उनमें थोड़ी सी सच्चाई होती है। जैसे बाबा कहते हैं शास्त्रों में आधे आए भी नमक मिसल सच्चाई, तो वो हम हमको तो ज्ञान मिला हुआ है, हम ज्ञान के आधार पर उन बातों को कह ली सकते हैं, भूसा भूसा निकाल लें
सच्चाई राम करे बाबा आते नहीं नमक नहीं डालते हाथी में नमक नहीं डालते नहीं डालते नहीं डालते नहीं डालना कंपेयर में नहीं डालते हैं कि वो कंपेयर तो परमावास के अंदर है ना परमावास में बैठे ही बहुत नमकीन है परमावास में भी बहुत प्रसिद्ध है परमावास का पानी भी बहुत खारा होता है कंपेयर का पानी तो मीठा है बाबा किसी में देना नमक नहीं भी नहीं डालते हाँ पानी डालते पानी खाना है इसलिए नहीं डालते बाबा ऋषि और मुनि ऋषि और मुनि कहा जाता है मंत्र को और मुनि कहा जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले जैसे कपिल मुनि को मुनि कहा गया ऋषि नहीं कहा गया और नारद को देवर्षि ऋषि कहेंगे जो पवित्र रहते हैं उनको ऋषि कहा जाता है जो मन चिंतन मंथन ज्यादा करते हैं उनको मुनि कहा जाता है मतलब क्या पूरी बात तुम्हारा ग्लोबिनियन बराटे में क्या बोलते हैं अट्ठाईस युग पर वो विठल वही खड़ा है अट्ठाईस युग युग अट्ठाईस युग तो है ही गीत बनाने वाले अनेक युग अट्ठाईस गीत बनाने वाले अनेक और गीत को सुनने वाले भी अनेक विश्वास करने वाले भी अनेक तो गीतों पर ध्यान नहीं देना है मुरली में बाबा ने क्या बोला है उन बातों पर ध्यान देना भक्ति मार्ग में तो ढेर सारी बातें भक्ति मार्ग में ऐसा भी होता है कहीं बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम में पूड़ियाँ सेकी गई पूड़ियाँ सेकते समय कहीं पीछे आग लग गई थोड़ी पूड़ियाँ चलते चलते सब पाक गई एक बिल्ली आई कड़ाव निकल गई पूरी माता आई उसने बिल्ली खराब हो गई है तो तारा भी खराब हो जाए फटाक से बिल्ली हुई और दबा दी टोकरी में बहू ने देख लिया कि माता क्या कर रही है बस उसने परंपरा बना दी कि जब कहीं ऐसा प्रोग्राम हो तो बिल्ली को कड़ाव में डालो ये दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है लेकिन वास्तव में भगवान तो एक ही है वो चाहे अट्ठाईस युग हो और चाहे ज्यादा युग हो और चाहे कल्प कल्प हो लेकिन वो भगवान का एक ही रूप रहता है उनका भी कुछ संगम कुछ गायब होगा है उनका भी कुछ गायब होगा तारा गाय ने एक ही का तो है भगवान के रूप में तो एक ही है और बाकी तो सब हुआ भगवान ही तो विट्ठल है और कोई दूसरा को रही है शिव बाबा ही विट्ठल है जो है वो कृष्ण का रूप निकाय संसार दुनिया समझती है भगवान का पाठ बजाने वाला कृष्ण ही है वही विठल है लेकिन वास्तव में कृष्ण विठल नहीं है पंडरपुर में बाबा रुक्मी जी के पीछे बैठा है राधा को आगे रखा है उसका मंदिर अलग है मॉडल वही कहा जाता है ना क्या माना जो बैठे बैठा ही सारा काम करता है कुछ ज्यादा भागदौड़ करने का काम नहीं
जहाँ सागर दूर होता है मछलियाँ नहीं मिलती,
लड़ाई हो रही है, खाने के कुछ मिलता नहीं है, तो घोड़े को भी खा कर पकाया खा जाते जाते सर। इस युद्ध ध्यान सागर में मछली को ले और युद्ध के मैदान में घोड़े को ले सरेंडर होते है, कन्या सरेंडर होती है, उनमें सब गाय होती है, गैया होती है, कि मछलियाँ भी होती है। गाय में दुर्गंध आती है, गाय के दूध में भी दुर्गंध नहीं आती, गाय में दुर्गंध नहीं आती, लेकिन कोई कोई गाय होती है जो गंध खाती है, कोई कोई, और मछलियों में सब में दुर्गंध आती है। दुर्गंध कही जाती है बेविचार को, घोड़े को भी काट के खा जाते हैं। ज्ञान में चलने वाले कुमार है वो सब क्या है, अभी अभी बहुत ऊंचे पुरुषार्थ में जा रहे हैं, अभी अभी एकदम नीचे, एकदम आगे बढ़ते हैं और एकदम पीछे आ जाते हैं। घोड़ों को जब युद्ध होगा तो खा जाएंगे, युद्ध होगा जब माया का जोर से युद्ध होगा तो उन घोड़ों को भी लगा देंगे दांव पर। तो प्रत्यक्षता तो बाबा बोल रहे कि इससे होगी ज्ञान के, बच्चों के पास होगी महिमा से, ज्ञानी से प्रत्यक्षता हो जाती है, ज्ञानी से शोहरत होती है। चारों तरफ आज के अखबार में अच्छी अच्छी बातें आती है तो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ये निगेटिव बातें आती हैं तो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, निगेटिव बातें आती हैं ज्यादा पढ़ते हैं। तो चारों तरफ आवाज तो होती है तो उसे प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे, ग्लानी बढ़ती है मैंने लोगों को जानकारी बढ़ती है, ये भी कोई है, लेकिन ये क्या है ये असली बात उनको पता नहीं पड़ सकती। चैतन्य सागर को भी सुखा दिया, अतुल सागर को युग के अंत में सागर जो है उस सागर में मिट्टी बहुत डाल दी जाती है, बम्बई में माया की नगरी में मिट्टी दे अभिमानी की बहुत ज्यादा गिरती है तो सागर सूख जाता है। अब वो चैतन्य सागर हो और चाहे जड़ सागर हो, सागर में 16,000 जब सरेंडर हो जाएंगे तो मिट्टी नहीं पड़ेगी, उसको कम करेंगे नहीं लगेगा, और सिर्फ प्रवेश है, लेकिन प्रवेश का मतलब है जब प्रवेश है तो मिट्टी हटेगी, बाकी जब संकरण में आएगी तो मिट्टी लगेगी भी, तो राम कृष्ण की आत्माओं को संकरण नहीं लगता क्या है, तो याद में बैठेंगे तो धुल जाएगी। बाबा प्रवेश करता है, बाबा की बुद्धि ना तुम मेरे को याद करते हो, तो रामकृष्ण की आत्मा जितना याद करेगी उतना वो देवभाग की मिट्टी धुल जाएगी, जितना संकरण में आएंगे तो मिट्टी लग जाएगी। मिट्टी भी दो प्रकार की, नदियां भी दो प्रकार की बता रही, एक यमुना नदी किसी की मिट्टी और एक गंगा नदी, मिट्टी ऐसी होती है चिपकती नहीं, पानी ज्यादा गलत, और यमुना की नदी की मिट्टी चिपक गई ढेर सारा पानी डालते हो टूटेगी नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसे करने से भगवान को जन्म देते हैं उनको दुख क्यों, वो खुद में श्री कृष्ण को छोड़ते तो नंदलाल ऐसे को सुख है, वो सुखी है और देवकी है नहीं है वसुदेव दुखी है, ऐसा क्यों है ना। अपना अपना हिसाब किताब है, जिसने जन्म लिया वो दुखी है और जिसने पालना की वो दुखी है। जन्म तो नहीं, बाबा ने बताया तो देखना है।
भक्ति मार्ग को थोड़ी देखना है। बाबा ने बताया है जो कृष्ण को जन्म देने वाला है माने सत्यता की जन्म देने वाला है वो विकारों की जेल में पड़े रहे। वो जन्म देने वाले माता पिता विकारों की जेल में पड़े रहे और कृष्ण विकारों की जेल से छूट गए। बात कहाँ की है हम इसकी बात है कि जो इस्लामी और जो क्रिश्चियन पीढ़ी के चित्र के नीचे दिख दे रहे हैं वो उसको प्रत्यक्ष करते हैं भगवान को क्या प्रत्यक्ष तो करते हैं लेकिन खुद विकारों की नींद में सो जाते हैं। वो सत्य को जन्म देने वाले माने प्रत्यक्ष का रूप जन्म देने वाले और कृष्ण विकार की जेल से निकलने वाले वो सड़कों के ऊपर डांस करता है क्या तालिया। और वो सब जो है वो यमुना नदी में रहते हैं। हाँ जी तो भाई देवकी वसुदेव वो बोले जो जेल में पड़े हुए हो वो विकारों की जेल में पड़े रहने वाले माना मन चिंतन मंथन स्टेज से भी बहुत नीचे पवित्र रहने की स्टेज से भी नीचे है विकारों की जेल में पड़े हुए और कृष्ण की आत्मा छूट जाती पालने वाले ये दो दास लोग ज्यादा सर्विस करते हैं ज्यादा सेवा करते हैं ना करे ये तो जे अपेय करना दे ग्लानी न करे ग्लानी करने वाले सतपुर निंदा को और न पावे और गाइड करने वाले जल्दी जाएंगे ये कहीं से जोड़ी नहीं है जो जैसा पार्ट निभाए वो मैं की प्राप्ति कर ब्रह्मा के पास में दिखते ना तो वो कौन से पास हो गए क्योंकि इसमें हमारा ये हो गया था कि राम सीता राधा कृष्ण और गगन भाई बोल रहा था कि जो आदि में दो थे और बीच आते हैं आदि में दो जो है और बीच में जो दो है और जगदम्बा ऐसे मिलके पांच हो जाते आदि में दो थे उन्होंने अपना दे दिया टाइटल उसको दे दिया ब्रह्मा संस्कृति को टाइटल दे दिया ब्रह्मा संस्कृति में तो आगे उठे थे ये नहीं हो जाते लेकिन ये आदि में दो ही तो थे जिन्होंने अपना टाइटल दे दिया। हाँ जी माता ने दिया और सेवाग्राम ने दिया बाकी एक तीसरी माता भी थी राधा माता वो तो अभी प्रत्यक्ष होने वाली वो भी तो प्रत्यक्ष होगी प्रैक्टिकल में वो करके नहीं दिखाते बस मुझे पार्ट उसी में बजाती है पार्ट प्रवेश करके नहीं बजाती क्या बनाती है तो पूरी बीमार है बीमार है लेकिन उसकी स्टेज ऐसी बनी हुई हो देखने वाले को धीरा ज्यादा है तो वो डॉक्टर को धीरे दे रही है अस्पताल में पड़ी है तो स्टेज ऐसी बनी हुई होगी डॉक्टर घबरा जाए रोगी है वो उसको धैर्य धारण कराए
अच्छा मैं बात लागू होती है बाबा की बात की, ऐसे में भी लागू होती है। अभी कोई बेटा होगा उनका के ब्रह्मा के मुख से निकली हुई प्रॉपर्टी ही तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। उस तो प्रॉपर्टी को जिसने धारण किया वही ब्रह्मा का बड़ा बच्चा। कोई बात नहीं, माला में तो सूर्यवंश के भी होंगे, चंद्रवंश के भी होंगे, इस्लाम वंश के भी होंगे, बौद्ध जी और क्रिश्चियन वंश के भी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। लेकिन जिसकी एनएस की जो बात की जा रही है कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, तो वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले सब धर्मों के हैं या सूर्यवंशी है? माला में है, माला में है, लेकिन माला में जो फाउंडेशन डालने वाले पहले सूर्यवंशी होंगे या दूसरे सूर्यवंशी होंगे? अभी तो बताया है जो ज्ञान से सचित का जिनका बैलेंस होगा वो माला में आएगा। धारणा वालों की संत का जस निकलेगा, धारणा वाल नहीं होंगे तो उनकी संत का जस भी निकलेगा। अंत में आने वाले बच्चे जा नहीं सकते क्या? अंत में आने वाले बच्चे उसमें जा नहीं सकते? लास्ट में आने वाले बाप जा सकते? नहीं जा सकते, वो तो सेवा के आधार पर ही मिलता है। लास्ट में जो आवेगी वैसे भी लास्ट में आवेगी तो सेवा का चांस मिलना चाहिए। तो वो लास्ट में सेवा नहीं कर देगी ढेर सारी? उसके निकलने मात्र से ही रानी बच्ची निकलती है, निकलने से ही उसके पीछे पीछे सारा घर चला जा रहा है। एक अच्छी सेवा हो रही है तो अपनी अपनी गर्व की बात है। किसी में प्योरिटी की पावर जन जन्मांतर की ज्यादा है तो वो उसको शुरुआत से ही संक्षत्र ज्ञान जाने की क्या दरकार? ये ज्ञान जो है वो पवित्र के लिए है या अपवित्र के लिए? हनुमान जो आता है वो पतितों के लिए आता है या पावन सन्यासियों के लिए आता है? पतितों के लिए आता है। तो पतित रुद्रमाला के मन के है या विजयमाला के मन के है? रुद्रमाला के मन के पतित है। तो पतितों को आकर के पहले उठाते हैं। राजा बच्चे बनते हैं पुख्ता से, हिम्मत नहीं हारते, हिम्मत है बच्चे तो मत देगा। बाबा बोला है नई दुनिया की सौगात ब्रह्मा द्वारा ही मिलती है ना, ब्रह्मा द्वारा ही गेट खुलते हैं। तो ये नई दुनिया ही है ना, गेट कहाँ खुले? तो नई दुनिया का फाउंडेशन जो मकान बनाया जाता है उसका फाउंडेशन अंडरग्राउंड डाला जाता है कि बाहर डाला जाता है? फाउंडेशन है नई दुनिया का, अंडरग्राउंड है। बाप भाग्य भी दाता है वो अंडरग्राउंड मिलिट्री। बाप भाग्य भी दाता है तो वर्षा लेने की एक्यूरेटी भी क्या है? बाप भाग्य भी दाता है तो वर्षा लेने की एक्यूरेटी क्या है? भाग्य बनाओ। भाग्य बनाने के लिए जो तरीका बताया है वो अपना है।
बोलने से जुड़ा ही होता है, एक होता है अंदर की आवाज और एक होता है बाहर की आवाज। बोले क्या बोले तो बाबा को कैसे याद करते, बाबा को याद करने का तरीका क्या बताया, साकार में निराकार को याद करो और साथ साथ बाबा को साथ लेकर के कोई आत्मा को संचलाइट लो जगदम्बा के लिए। जगदम्बा का आह्वान करने के लिए कब बोला, किसी को प्यार देने वाली बात जो है वो अभी नहीं कर पाएंगे, अभी प्यार है ही नहीं। रुद्र माला जीवन को प्यार होता तो बाबा को ये कहने की क्या दरकार थी, मजबूरी से मिले हुए तो कोई तो है ना बाबा, दूसरे को अच्छे से करते हैं, क्या करते हैं अच्छे रहते हैं, जिनका जिनसे लगाव लगा हुआ है वो उनके लिए अच्छे से करते हैं, करना चाहिए सबके लिए बराबर। बाबा अमन बोला कि जान में चलने वाले कुमार घोड़े थे, कुमार घोड़े थे हाँ जी, तो मतलब उनको भी दाव पर लगा दिया जाएगा, लेकिन बाबा ने जाएगा नहीं, जब युद्ध होता है तो युद्ध में जो घोड़े होते हैं कुछ नहीं खाने को मिलता है, घोड़ों को ही नुकसान खा जाता है, लेकिन बाबा ने बोला है कि इसीलिए तो भूखे भूखे जो होते हैं वो घोड़ों को ही पार खा जाते हैं। जब कुमार धोखा ले जा रहे ये तो हमने नहीं बोला, कुमार मुश्किल से सीखते हैं ये बोला है, कुमार जो चाहे कर सकते हैं, कुमार जो चाहे तो कर सकते हैं, माने जो चाहे तो नेगेटिव और जो चाहे तो पॉजिटिव करने वाले भी निकलेंगे ना, ये निकलेंगे निकलेंगे तो ये बात रंग हो जाती है कि सब कुमार फेल हो जाएंगे, कुमार बेचारे बेमौत मारेंगे, ऐसी बातें क्यों निकाल दे तुम, अदर कुमार हो गया है विजयमाला बनेगी और बुद्धि वहाँ लटक जाएगी एक दूसरे की, एक दूसरे की हमारे समान को प्राप्ति है तो कुमार अदर कुमार नहीं बचाएंगे, ठीक है क्या कहना वहाँ बात नहीं बोलनी पड़ेगी, हाँ जी क्या कहनी पड़ेगा खुलेगा अंतर का नीचे शीशा से कैसे खुलेगा, शंकर का शीशा नेत्र नहीं खुला है अभी ज्ञान का शीशा नहीं खुले, ज्ञान का शीशा नेत्र खोले तो पहले सूरज जब सीखा तपेगा, सूरज जब सीखा तपेगा तो रोशनी चारों तरफ फैलने लगेगी, जो बिल्कुल अज्ञान में है वो भी जागने लग पड़ेगा, जो अज्ञानी है अज्ञानी जो सोए हुए पड़े हैं वो भी जग जाएंगे, जब विनाश होगा तो सूरज बहुत तीखा तीखा तपेगा, अलग अलग बातें नहीं नहीं अलग अलग बातें क्यों है, इसमें टिको आकार की याद तो हम साकार तो है ही,
ये दोनों अलग अलग तो साकार है, हम खुद क्या है, साकार है, साकार ही स्टेज में ज्यादा रहते हैं। लेकिन हम याद करेंगे ऐसे को जो साकार होती है, भी निराकार ही स्टेज में रहने वाला है, तो जैसे की खुशी होगी वैसी हमारी स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी। वो जिस स्थिति में छिपा हुआ है स्थिति, अगर वो साधना भी बन गई उसी की बनेगी जो सर्विसेबल होगा, तो वो बात भी गलत नहीं है। सर्विस फील्ड में जो होगा उसको बाप याद करते हैं, तो बाप दादा जिस बच्चे को याद करेंगे उसकी याद में ज्यादा सीखापन होगा, या जो अपनी याद का पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन सर्विस नहीं कर रहा है तो उसकी याद में ज्यादा सीखापन होगा। बाप दादा जिसको ज्यादा याद करेंगे सबसे बच्चों को, तो उसकी याद में जौहर बन जाएगी। धर्मराज का पाठ कर जाती है, तो धारणा का सबसे अच्छा पाठ किसने बजाया? ब्रह्म जी ने बजाया। और प्रजा भी कराने वाले अपना प्रजा को जाएगा उसके द्वारा, तो शिव बाप बाप का पाठ बजाते हैं। बाप प्यार का सागर है या मार का सागर है? यार में तो बोला है मेरे साथ धर्मराज भी है, ये नहीं बोला मैं धर्मराज हूँ, मेरे साथ राइट हैंड धर्मराज भी है, अरे मैं अलग हूँ धर्मराज अलग है, धर्मराज तो मार देगा। बाप जो है वो प्यार का सागर है या मार का सागर है? तो प्यार का सागर। ब्रह्मा का तो कोई पास नहीं है, धर्मराज का पास कैसे? ब्रह्मा का शरीर छूट गया है, ब्रह्मा का शरीर छूट गया लेकिन बच्चे में प्रवेश कर रहा है ना, तो बच्चे है और बच्चों में भी तो कोई बच्चे है ना जो नंबर वार पाठ बजाने वाले हैं शक्ति का, सबसे ज्यादा सख्त धर्म कौन सा है? सख्त सख्त माना स्ट्रिक्ट, इस्लाम धर्म सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जैसे वोट का आर्डर निकलता है स्ट्रिक्ट आर्डर माना जाता है, ऐसे ही आर्डर के ऊपर जो सख्त होकर चलने वाली आत्मा है वो है इस्लाम धर्म की आत्मा, लीनेंसी बिल्कुल नहीं है। और ब्रह्मा की टोन कौन से धर्म के प्रभाव में सबसे पहले आती है समझ लो, धर्मराज धर्मराज का पाठ कौन बजाने वाला है? किसके द्वारा बजेगा? मैंने तो शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने के बाद वो बच्चों में प्रवेश करता है, तो बच्चों में कौन सा ऐसा बच्चा होगा जिसके द्वारा वो पाठ बजाएगा? जगदम्बा भी तो चंद्रवंशी है ना, चंद्रमा और चंद्रवंशी जो है वो सबसे ज्यादा कौन से धर्म के प्रभाव में आते हैं? इस्लाम धर्म के प्रभाव में आते हैं। जगदम्बा पहले तो जगदम्बा ही पाठधारी, क्या हुआ उसमें जो प्रवेश करने वाला है वो पुरुष रूप ही जो है, ब्रह्मा जो प्रवेश करने वाला पुरुष रूप नहीं है, तो हो रही है हाँ? क्या हुआ पुरुष रूप में हो रही है, तो वो बाबा का ही रूप होगा ना है, चित्त पार्टी नहीं ना, अपोजिट में दिखाया जाता है
महाकाली के तक महाकाल भी तो है, महाकाल है साथ में, लेकिन शक्तियाँ असुर संघारिणी है, देवता असुर संघारी नहीं गाया जाता है न दिखाया जाता है। तो धर्मराज बोला है ना? धर्म का राजा राज्य करने वाला। अरे वो तो सबसे ज्यादा आप ही चल लेते हैं और क्या, वो तो तेरे को कहानी किसी ने सुना दी कि देवता पृथ्वी के ऊपर होते हैं। हाँ तो इसी शक्ति पर होते हैं ना देवता। हाँ तो है ना फट रहा है असुरों के लिए, आसुर दुनिया खलास करने के लिए। अभी देवता ही कौन है? देवता तो कोई भी नहीं। बाबा शिव बाबा को ज्ञानी तो बच्चे प्यारे बाबा को अंकित माता भी आगे कर सकती है, पांडेली माता वो तो ध्यान नहीं सुनती, वो भी एक साथ मन के लिए आती है। जब याद में सीखे होंगे तो जो याद में सीखा होगा वो अंत में ज्ञान में भी सीखा हो जाएगा, सारे में भी सीखा हो जाएगा। एक याद के बल से सारी शक्तियाँ आ जाती है। अनपढ़ माता भी आगे, हाँ अनपढ़ आत्मा भले अनपढ़ माता हो तो उसमें ज्ञान की पावर, धारणा की पावर और वाइब्रेशन से सेवा करने की पावर सबसे तीखी हो जाएगी। लेकिन उसमें ज्ञान नहीं ना होता, ज्ञान के बच्चे ज्ञान नहीं है, लेकिन बाप के प्रति प्यार तो होता है, लगाव तो होता है, लगन तो होती है। योग बल से जब विश्व की वार्ता ही मिल सकती है तो धारणा और सेवा और ज्ञान नहीं मिल सकता। नंबर बनने का आधार तो है सेवा, और वो सेवा याद से भी होती है। फर्स्ट क्लास सेवा होगी याद से, वाइब्रेशन सुधारने की सेवा। बाबा एक तो आज की माला में 12-12 के ग्रुप है, उसमें मुखिया अष्टरतन है, तो अष्टरतन में भी बाप आ रहा है, अष्टदेव में भी बाप आ रहा है, अष्टरतन अष्टर आ रहा है, नौ नारायण में भी फर्स्ट बाप ही आ रहा है, तो सब में बाबा का पार्ट आ रहा है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, चाहे रतन हो, चाहे देव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राक्षस हो। राम ही रावण बनता है तो रावण तो सबसे बड़ा राम राक्षस हो गया। बाबा अभी बाबा बोलते हैं ना मुरली में, हाँ? योगी तो सहयोगी, हाँ? तो अभी खाली सहयोग करते हैं, हाँ? योग नहीं करते हैं, हाँ? योग नहीं करते हैं, हाँ? खाली सहयोग करते हैं। योगी है तो सहयोग, तो असली सहयोगी वो ही है। लोग तो नहीं कर रहे बाबा के साथ, प्यार तो नहीं करते हैं। अभी नहीं कर रहे, नंबर लाल करने वाले हैं तो सहयोगी वाली आत्माएं नहीं कर रही। सहयोगी वाली आत्मा सहयोगी, हाथी के दांत जमाने के और दिखाने के, और एक होते हैं अंदर से प्यार करते हैं, देखने में नहीं आता किसी को। जब रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा कि हाँ यही असली सहयोगी है। बाबा एक मुझे में बोला है ताऊ शंकर है, ताऊ से तर्क देता है, तो चाचा है विष्णु और ब्रह्मा बाप का पार्ट है, ब्रह्मा बाबा हो गया, फिर ब्रह्मा वाला बाप हो गया, बाप चाचा ताऊ चाची किसको मिला मुझे अभी तक ब्रह्मा थोड़ी देर के लिए। बाबा बंगाल में ब्राह्मणों को मछली खिलाते हैं, बंगाल बंगाल में ब्राह्मणों को मछली खिलाते नहीं है, ब्राह्मण चाव से खाते हैं। आजकल वहाँ ऐसी स्थिति है कि वो कहते हैं कि अगर हमको मछली छोड़वाओगे तो हम ज्ञान नहीं लेंगे।
सारा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, साप्ताहिक कोर्स ले लेते हैं, मछली भी कर लेते हैं, फिर अगर बीच में ये पता लग जाए कि मछली ये छोड़नी पड़ेगी, ऐसे तो ऐसे ज्ञान में नहीं चलना है। मछली नहीं छोड़ सकते है अभी तो अभी ब्राह्मण निकले ही कर रहे हैं। नहीं दादा याद का भोजन और ज्ञान का तेल। याद का भोजन जो है वो ज्यादा नहीं मांगता, एक पाव मांगता है, पाव रोटी। आजकल रोटियों में सबसे अच्छी रोटी कौन सी मानी जाती है? पाव रोटी। मक्खन लगाते जाओ, खाते जाओ। तो यहाँ पाव रोटी का मतलब ये है सिर्फ एक चिवावा की रोटी मिल जाए याद की, और कोई की याद आए ना आए, एक चिवावा की याद आती रहे तो सारी भूख मिटती रहेगी। और प्रैक्टिकल अनुभव है यार, कोई को कितनी भूख लगी हो बाबा मिल जाए सारी भूख क्या मिल जाती पेट के लिए क्या चाहिए? केमिकल फर्स्ट में डालते हैं, केमिकल फर्स्ट बीमारी करती है, समुद्र डालते हैं, आगे खाने में सबसे भी कल फिर जाते हैं ना, खाने में केमिकल फंस जाता है ना, सब्जी जो मिलती है उसमें जब केमिकल फंस डालते हैं तो उसमें क्या होता है? मना किया कि आप केमिकल बंद कर लो और ऑर्गेनिक खेती शुरू करो। खेती तो कर नहीं पाते ना, खेती कैसे करते? आदमी क्या नहीं कर पाता है? आदमी करता है। अच्छा आप भी क्या नहीं कर पाते? जो आप अपने गौरव समझते क्यों? आप तो आत्मा है, आपने आधे जन्म इच्छा की है, आधे जन्म पुरुष के लिए देना क्यों आता है बार बार? क्या भारत में ऐसी ऐसे ऐसे स्टेट नहीं जहाँ स्त्रियाँ स्त्रियाँ काम करती है खेती का? करती है, पर दूसरा भी काम होता है बाबा, खेती कब करे है? दूसरा काम होता है, खेती कब करे? खेती कब करे? नहीं, 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 करने वाले दूसरा भी काम कर लेते हैं, वो काम भी कर लेते हैं, सब लोग है ऐसी बात नहीं है। ऐसे ऐसे स्टेट है जहाँ स्त्रियाँ बहुत काम करती है खेती का, ज्ञानियों का ईश्वर है तो संत ज्ञानेश्वर। वो ज्ञानेश्वर के साथ मुक्ता ही मुक्ता ही मुक्ता ही मुक्ता ही उसकी बहन थी ज्ञानेश्वर। ज्ञान की बहन ज्ञानेश्वरी तो छोटी मम्मी का गाय है, फिर वो जन्म जन्म के साथ रहती है छोटी मम्मी, फिर ज्ञानेश्वर तो जो पार्क है ज्ञानेश्वर है, बारह से 14 साल हो गए मुक्ता का पार्क तो बहन थी। बहन थी बहन नहीं होती है क्या? बहन होती नहीं है बाबा माताओं को मरता मत देते हैं और गलती लोगों की भ्रूण हत्या होती है, दुनिया में भ्रूण हत्या होती है और दुनिया में गौरव मित्र की माता महिलाओं को बहुत मर्तबा दिया है, राष्ट्रीय जागरण ये हो गया, सभी क्षेत्र में महिला आगाड़ी पर है ना,
फिर भी भ्रमण आत्या होती है, परस्पर विरोधी होता है। तो दुनिया वाली करते हैं, बाबा थोड़ी करता है। भ्रमण हत्या का मतलब क्या है, वो तो बेहद में समझ लो। भ्रमण हत्या का मतलब है कोई छोटी कन्या है ज्ञान में अर्पण हुई है और वो घर में गई होते गंदा कर दिया, तो भ्रमण हत्या हो गई। शादी माना क्या है, विकार में जाना माना शादी। पांच भाई का होते हैं, चार भाई कोई पांडव है क्या? नहीं है? तो पांच पांडव ये है, विरोधी बन जाते हैं राम कृष्ण सरस्वती और ये पांच आत्माएं विष्णु की, यही है पांच पांडव। तो ये दिखाया गया है, कैटेगरी दिखाई गई है, कुछ आत्मा है युधिष्ठिर जैसी युद्ध में स्थिर बनी रहने वाली, कुछ आत्मा है भीम जैसी भयंकर पार कर जाने वाली, नौ किसको जैसों को भी मारती है, बड़े बड़े राक्षसों को भी मारती है और सौ कौरवों को भी अकेले ही मौत के घाट उतारती है।